हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज पेरीमीटर एंड एरिया. ओके, चैप्टर 21 ऑफ आरएसएल अग्रवाल बुक. ओके, तो बेटा सबसे पहले समझिए पेरीमीटर होता क्या है. देखिए, जैसे आपको एक प्लेन फिगर दे रखा है तो आपसे पूछे इसका पेरीमीटर क्या है, तो हम क्या करते हैं पेरीमीटर निकालने के लिए जितनी भी बाउंड्रीज है उनका क्या करते हैं, सम करते हैं. जैसे मान लीजिए कोई एक फिगर दे रखा है, मान लीजिए ठीक है, एक क्लोज फिगर है. अगर मैं आपसे पूछता पेरीमीटर क्या होगा, तो क्या हो गया कि जो भी डिस्टेंस है ए बी, ए से लेके बी तक की डिस्टेंस, बी से सी से डी और डी से ए, तो ठीक है, तो इतना क्या करते हैं सबका सम करते हैं, और ये सम ही क्या कहलाएगा उसका पेरीमीटर कहलाता है. ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा आपका ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए पेरीमीटर. क्लियर है, ये क्या कहलाएगा आपका पेरीमीटर कहलाता है. ओके, तो सिंपल ही टर्म हो गया. तो हम बेसिकली जो टू दो फिगर्स पढ़ेंगे इसमें इस चैप्टर में, वो पढ़ेंगे रेक्टेंगल एंड स्क्वायर. रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है आप पढ़ चुके प्रीवियस क्लास में. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, क्या होता है, 2 × L + B, वेयर L क्या हमारी, L हमारी होती है लेंथ, L इज द लेंथ एंड B इज द ब्रेथ. बी क्या बेटा हमारी, बी क्या हमारी ब्रेथ है, एल क्या हमारी लेंथ है. ओके, तो रेक्टेंगल इस टाइप का फिगर होता है. क्लियर है, जैसे ए बी सी और डी, तो ए बी सी डी जो है ठीक है, तो ए बी क्या हमारी लेंथ, तो ये चौड़ाई है इसकी, ठीक है, ये क्या होगी ब्रेथ. तो ये मान लीजिए अगर आपकी लेंथ, तो ये क्या चौड़ाई है ब्रेथ, तो क्या हो जाएगा 2L + B, ये हो गया हमारा रेक्टेंगल का फॉर्मूला. नेक्स्ट हमारा पेरीमीटर होता है किसका, स्क्वायर का. क्या होता है इसका फॉर्मूला, 4 × साइड, क्योंकि क्यों 4 × साइड क्यों होता है, क्योंकि स्क्वायर की साइड साइड क्या होती है, इक्वल होती है. साइड साइड क्या होती है, इक्वल होती है. जैसे मान लीजिए अगर ये आपका स्क्वायर है ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी एंड डी, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, तो आपको पता है साइड साइड क्या होती है स्क्वायर की, बराबर होती है. ये भी एस होगी तो ये भी एस होगी, ये एस होगी तो ये भी एस होगी. ऐसे रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइज बराबर होती है. मगर अगर ये एल है, अगर इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है, तो इसकी लेंथ भी क्या होगी 5 सेंटीमीटर होगी. इसकी ब्रेथ अगर 4 है, तो इसकी भी ब्रेथ क्या होगी 4 ही होगी. ठीक है, तो ये भी एल होगा, ये भी एल होगा, ये भी ब्रेथ होगा और ये भी ब्रेथ होगा. फॉर्मूला क्या बनेगा सर, 2 × L + B, और उसका फॉर्मूला बनता है 4 × साइड. ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए इसे. ओके स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 21A. कौन सी एक्सरसाइज, 21A. क्लियर, तो इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, पेज नंबर 222 पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल. हमें पेरीमीटर फाइंड करना है. हमें गिवन क्या दे रखा है, लेंथ दे रखी है हमको 16.8, लेंथ कितनी दे रखी है हमको बेटा 16.8, और ब्रेथ कितनी दे रखी है, ब्रेथ कितनी दे रखी है देखो बेटा 6.2 सेंटीमीटर. क्लियर है, तो हम क्या जानते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है. पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बेटा, 2 × L + B, मीन्स 2 × लेंथ क्या होगी मेरी, लेंथ कितनी रखी मुझे 60.8, प्लस ब्रेथ कितनी रखी मुझे 6.2, इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा उसका पेरीमीटर. ठीक है, इनको आप ऐड करोगे तो आएगा बेटा 16.8, और 6 को ऐड करोगे तो कितना आएगा 23 आएगा, कितना आएगा 23. ओके, आपको ऐड करना ज्यादा होगा ना, जैसे मतलब 16.8 और 6.2 को ऐड करोगे तो क्या आएगा आपको 23 आएगा, और 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 46 सेंटीमीटर. यूनिट जगलाना मत भूलना, उसका पेरीमीटर क्या होगा बेटा 46 सेंटीमीटर होगा. ठीक है, ये आपका हमारा सिंपल पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. ओके, सिंपल है, नोट कर लीजिए. ओके स्टूडेंट्स, तो हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड. देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर फील्ड 62 मीटर लॉन्ग एंड 30 मीटर वाइड एट ₹16 per meter. समझ में आ गया होगा क्या कह रहा है, मतलब कि हमें कॉस्ट निकालनी फेंसिंग की. ठीक है, अगर उस रेक्टेंगुलर फील्ड की लंबाई लेंथ है वो कितनी है 62 मीटर है, और उसकी विथ कितनी है 33 मीटर है, और अगर 1 मीटर को फेंस करने में कितने रुपये लग रहे हैं, 16 per meter लग रहे हैं. ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, देखिए एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, मान लीजिए क्या कह रहा है, ये रेक्टेंगुलर फील्ड है आपकी ए बी सी डी. ठीक है, ये रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसमें लंबाई कितनी दे रखी है, लेंथ कितनी दे रखी है 62 मीटर दे रखी है, और इसकी ब्रेथ कितनी दे रखी है बेटा
33 मीटर वाइड है, इसकी ब्रेथ भी 33 मीटर वाइड है। तो बोल रहा है मुझे इस रेक्टेंगल में फील्ड को फेंसिंग लगानी है, फेंसिंग करनी है, तो मुझे कितना कितने रुपए लगेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसका पेरीमीटर कितना होगा। आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसका पेरीमीटर निकाल लेंगे। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल क्या होता है बेटा, 2 × L + B। तो लेंथ कितनी दी थी हमको, 33, ओके 33, सॉरी लेंथ हमें दे रखी 62 मीटर और ब्रेथ कितनी दे रखी बेटा हमको, 33 मीटर दे रखी है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि कितने रुपए लगेंगे इसे फेंस करने में। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कितना इसका डायमेंशन जो है, तो कितना इसका पूरा पेरीमीटर होगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सो पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर क्या होता है फॉर्मूला, 2 × L + B होता है। तो 2 × L कितना है हमारा बेटा, 62 प्लस ब्रेथ कितनी बेटा हमारी 33। तो कितना हो गया पेरीमीटर, 2 × 3 और 2 5 और 6 और 2 6 और 3 9 95। ठीक है, 95 टू 2 करेंगे तो कितना आएगा, 190 आएगा। कितना है, 190 मीटर। तो ये हमारा क्या हो गया, पेरीमीटर हो गया। अब आपको पता है इस पूरे पेरीमीटर में तो फेंसिंग लगेगी। ठीक है, तो आप क्या जानते हैं, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग फॉर 1 मीटर, 1 मीटर के लिए कितनी दे रखी है, इज रुपीज कितनी बेटा, 1 मीटर अगर मैं फेंस करूंगा तो कितने रुपए लग रहे हैं मुझे, मेरे 16 लग रहे हैं। कितने लग रहे हैं, 16 लग रहे हैं। और आपको क्या करना है, आपको पूरा फेंसिंग करनी है। तो पूरे फेंसिंग करनी है तो पूरे कितने पेरीमीटर कितना है पूरे का, 190 मीटर। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग फॉर 190 मीटर इज रुपीज कितना होगा बेटा, 190 × 16 कितना होगा, इनका मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इसका 190 का 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप यहाँ मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 19 × 16 देख लीजिए बेटा। ठीक है, 9 × 6 = 54, 6 × 6 = 11 और ये हो गया 19 × 4 = 9 + 10 = 304। ठीक है, कितना आ गया, 304। ठीक है, 304 0, 190 है, 0 एक्स्ट्रा लगा दें, 9 × 16 कितना हुआ, 304 हुआ और एक 0 एक्स्ट्रा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने क्या लगा दी, 0 लगा दी। आप जानते होंगे तरीका सॉल्व करने का। ठीक है, मैं इसको थोड़ा चेंज कर लेता हूँ डायरेक्शन। ओके, तो ये आपका आंसर आ गया बेटा, क्लियर है, इसको आप नोट कर लीजिए। ओके, पहले आप ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, ये वाला पार्ट लिख लीजिए, फिर उसके बाद ये लिखेंगे। ओके, नोट कर लीजिए।